छंद विधान समवृत्त लक्षण। श्री सूत जी ने कहा, हे विप्रो, एक गुरु तथा दो गुरु से पृथक पृथक बने हुए छंदों को क्रमशः श्री या उक्था स्त्री या अत्युक्था के नाम से अभिहित किया गया है। एकमात्र मगड़ से बने हुए छंद को नारी, एक रगड़ से बने हुए छंद को मध्या और एक मगड़ तथा एक गुरु से बने हुए छंद को कन्या कहते हैं। ये प्रतिष्ठा छंद के भेद हैं। भगड़ और दो गुरु से युक्त छंद का नाम पंक्ति है, यह सुप्रतिष्ठा का भेद है। तगड़ एवं यगड़ से संयुक्त छंद का नाम तनु मध्या है। नगड़ और यगड़ से बने हुए छंद को बाल ललिता कहा जाता है। ये छह वर्ण वाले गायत्री छंद के भेद हैं। मगड़, सगड़ और एक गुरु से बने हुए छंद को मद लेखा कहते हैं। विद्वानों ने इसे उष्णिक का भेद स्वीकार किया है। जिस छंद के चारों पाद में दो भगड़ और दो गुरु हों, वो चित्रपदा के नाम से प्रसिद्ध है। जिस छंद के चारों चरण दो मगड़ और दो गुरु से संयुक्त होते हैं, वो विधुनमाला नामक छंद है। जिस छंद के प्रत्येक पाद में भगड़, तगड़, एक लघु और एक गुरु हो, उसे माणवक कहते हैं। जिसके चारों चरणों में समान रूप से मगड़, नगड़ तथा दो गुरु होते हैं, उसे हंसरुत नामक छंद माना गया है। जिसके चारों चरण एक रगड़, एक जगड़, एक गुरु और एक लघु से संयुक्त होते हैं, वो समानिका नामक छंद है। और जिसके प्रत्येक चरण में एक जगड़, एक रगड़ और एक लघु तथा एक गुरु होता है, उसका नाम प्रमाणिका है। इन दोनों से भिन्न जो छंद होता है, उसको वितान के नाम से जानना चाहिए। ये सब आठ वर्णों के चरण वाले अनुष्टुप छंद के भेद हैं। रगड़, नगड़ और सगड़ से जिस छंद का प्रत्येक चरण समन्वित होता है, उसका नाम हलमुखी है। जो छंद प्रत्येक पाद में दो नगड़ और एक मगड़ से संयुक्त रहता है, उसे शिशुभृता कहते हैं। ये नौ वर्णों के चरण वाले वृहति छंद के भेद हैं। जो अपने चारों चरणों में समान रूप से सगड़, मगड़ और जगड़ और एक गुरु से युक्त है, उस छंद को विराजिता कहते हैं। प्रत्येक पाद में मगड़, नगड़, यगड़ और एक गुरु से पूर्ण छंद का नाम प्रणव है। मयूर सारणी नामक छंद के चारों चरणों में समान रूप से एक रगड़, एक जगड़, एक रगड़ एवं एक गुरु होता है। रुक्मवती छंद के प्रत्येक पाद में एक भगड़, एक मगड़, एक सगड़ और एक गुरु का विधान है। जिस छंद के सभी चरणों में मगड़, भगड़, सगड़ और एक गुरु होता है, उसका नाम मत्ता है। जिसके प्रत्येक चरण में नगड़, रगड़, जगड़ तथा एक गुरु है, उसे मनोरमा कहा गया है। ये सभी दो वर्णों वाले पंक्ति छंद के भेद हैं। जिस छंद के प्रत्येक चरण में दो तगड़, एक जगड़, दो गुरु होते हैं, उसे इंद्र वज्रा कहते हैं। और जिस छंद में क्रमशः एक जगड़, एक तगड़, एक जगड़ एवं दो गुरु हो, उसका नाम उपेंद्र वज्रा है। जब एक ही छंद में ये दोनों इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद सम्मिलित रहते हैं, तो उसे उपजाति कहा जाता है। इनके अनेक भेद हैं। यथा सुमुखी नामक छंद के प्रत्येक चरण में एक नगड़, दो जगड़, एक लघु और एक गुरु होता है। दोधक में तीन भगड़ और दो गुरु होते हैं। शालिनी नामक जो छंद है, उसके सभी चरणों में एक मगड़, दो तगड़ एवं दो गुरुओं की युति होती है। इसके प्रत्येक चरण में चौथे तथा सातवें अक्षर पर विराम होता है। वातोर्मी छंद के प्रत्येक चरण में दो मगड़, एक तगड़ होता है और उसके बाद दो गुरु होते हैं। इसमें भी चार सात पर विराम होता है। जो छंद प्रत्येक चरण में मगड़, भगड़, नगड़, नगड़, एक लघु और एक गुरु से युक्त हो, उसे भ्रमर विलासिता नामक छंद कहा जाता है। रथोद्वता छंद
अपने सभी चरणों में एक रगड़ नगड़ रगड़ एक लघु एवं एक गुरु से संयुक्त होता है। स्वागता के प्रत्येक पाद में एक रगड़ एक नगड़ एक भगड़ और दो गुरु होते हैं। वृत्ता नामक छंद के प्रत्येक पाद में दो नगड़ एक सगड़ और दो गुरु सन्निहित होते हैं। समुद्रिका छंद में दो नगड़ एक रगड़ एक लघु तथा एक गुरु होता है। जिस छंद के प्रत्येक चरण रगड़ जगड़ एक लघु तथा एक गुरु से युक्त हो वो शयनिका नामक छंद है। जहां सभी चारों चरणों में एक जगड़ एक सगड़ एक तगड़ दो गुरु हो वहां शिखंडित छंद होता है। महात्मा पिंगल ने इन्हें त्रिष्पुट छंद का भेद बताया है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक रगड़ एक नगड़ एक भगड़ एक सगड़ हो उसका नाम चंद्र वर्तम और जिसमें एक जगड़ एक तगड़ एक जगड़ और एक रगड़ हो उसका नाम वंशस्थ छंद है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में दो तगड़ एक जगड़ हो उसे इंद्रवंशा और जिसमें चार सगड़ ही सगड़ होते हैं उसे तोटक छंद माना गया है। जिसके प्रत्येक पाद में नगड़ दो भगड़ और रगड़ हो उसका नाम दुत्र विलंबित है। जो छंद अपने सभी चारों चरण में दो नगड़ एक मगड़ एक यगड़ से संयुक्त रहता है उसका नाम पुट है। इस छंद में आठ और चार वर्णों पर यति होती है। दो नगड़ और दो रगड़ से समन्वित प्रत्येक चरण वाला जो छंद है उसका नाम मुदित वदना है। इसमें सात और पांच वर्णों पर यति होती है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में नगड़ यगड़ हो उस छंद को कुसुम विचित्रा कहते हैं। जगड़ सगड़ से युक्त प्रत्येक पाद वाले छंद का नाम जलोदगत है। प्रत्येक पाद में चार रगड़ से युक्त छंद स्त्रिगवड़ी माना गया है। चार चार यगड़ों से जिसके सभी चरण संयुक्त हैं उसको भुजंग प्रयात छंद की संज्ञा दी गई है। प्रियंवदा छंद नगड़ भगड़ जगड़ और रगड़ इन चार गणों से युक्त होता है। मणिमाला नामक जो छंद है उसके प्रत्येक पाद में तगड़ तथा यगड़ होता है। जिस छंद के प्रत्येक पाद में तगड़ भगड़ जगड़ और रगड़ हो तो उसका नाम ललिता है। इस छंद में छठे वर्ण पर यति होती है। प्रतिमाक्षरा वृत्त सगड़ जगड़ सगड़ सगड़ से युक्त होता है। उज्ज्वला छंद में नगड़ नगड़ भगड़ तथा रगड़ होते हैं। जो छंद मगड़ मगड़ यगड़ यगड़ से संयुक्त है उसका नाम वैश्य देवी है। इसमें पांच और सात वर्णों पर यति होती है। जब छंद के प्रत्येक चरण में मगड़ भगड़ सगड़ और मगड़ हो तो उसे जलधर माला कहते हैं। चंद्र वर्तम छंद से यहां तक 12 वर्ण वाले जगती छंद के भेद हैं। जिस छंद के प्रत्येक चरण में नगड़ नगड़ तगड़ तगड़ और एक गुरु हो तो उसका नाम क्षमावृत है। इसमें सात और छह वर्णों पर यति होती है। प्रहर्षिणी नामक छंद मगड़ नगड़ जगड़ रगड़ एवं गुरु से युक्त होता है। इसके प्रत्येक चरण में 3 और 10 वर्ण पर यति का विधान है। जो छंद जगड़ भगड़ सगड़ जगड़ और एक गुरु से सन्निहित होता है उसको रुचिरा कहा गया है। इसमें यति 4 तथा 9 वर्णों पर होती है। मत मयूर नामक छंद को मगड़ तगड़ यगड़ सगड़ और एक गुरु से युक्त माना गया है। इसके प्रत्येक पाद में 4 तथा 9 वर्णों पर यति होती है। मंजू भाक्षिणी छंद के प्रत्येक चरण में सगड़ जगड़ और एक गुरु होता है। सुनंदिनी नामक छंद के प्रत्येक चरण में सगड़ होते ही है किंतु अंतिम जगड़ के स्थान पर इसमें मगड़ होता है। अंत में एक गुरु रहता है और
जो छंद नगड़ नगड़ तगड़ तगड़ तथा एक गुरु से युक्त होता है उसका नाम चंद्रिका। इसमें 7 और 6 वर्णों पर यति होती है। ये 13 वर्ण वाले अति जगती छंद के अवांतर भेद हैं। मगड़ तगड़ नगड़ सगड़ और 2 गुरु से युक्त छंद को असंबाधा कहते हैं। इसमें 5 और 9 वर्णों पर यति होती है। जिस छंद में नगड़ नगड़ रगड़ सगड़ एक लघु और एक गुरु हो उसे अपराजिता छंद कहा जाता है। इसमें 7-7 वर्णों पर यति होती है। यदि प्रत्येक चरण में नगड़ नगड़ भगड़ नगड़ एक लघु तथा एक गुरु हो तो उसे प्रहरण कलिका के नाम से जाना जाता है। इसमें भी 7-7 वर्ण पर ही यति होती है। वसंत तिलका छंद में सभी चरण क्रमशः तगड़ भगड़ दो जगड़ दो गुरु से युक्त होते हैं। इसी को सिंधोन्नता और उद्वर्षिणी भी कहते हैं। जिस छंद के प्रत्येक पाद में भगड़ जगड़ सगड़ नगड़ तथा 2 गुरु हों उसका नाम इंदुवदना होता है। जिसका प्रत्येक चरण नगड़ रगड़ एक लघु और एक गुरु से संयुक्त होता है उसी को सुकेशी छंद कहते हैं। यहाँ तक 14 वर्णों के चरण वाले शर्करी छंद के अवांतर भेदों का वर्णन प्रतिपादित किया गया है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 14 लघु 4 नगड़ फिर 2 लघु वर्ण और अंत में एक गुरु हो वो शशिकला छंद है। इसी छंद में जब यति 6 और 9 वर्णों पर हो तो वो स्त्रक अर्थात माला नामक छंद हो जाता है। जब वह यति 8 एवं 7 वर्णों पर हो तो वो मणि गुणनिकर नामक छंद बन जाता है। मालिनी छंद अपने प्रत्येक चरण में नगड़ नगड़ मगड़ यगड़ यगड़ में सन्निहित होता है। इसमें 8 और 7 वर्णों पर यति होती है। प्रभद्रक नामक छंद के प्रत्येक चरण में नगड़ जगड़ भगड़ जगड़ और रगड़ होता है। इसमें 7 और 8 वर्णों पर यति होती है। एला नाम का छंद सगड़ यगड़ नगड़ नगड़ और यगड़ से संयुक्त होता है। चित्रलेखा छंद के प्रत्येक चरण में मगड़ रगड़ मगड़ यगड़ तथा यगड़ होता है। यति 7 और 8 वर्णों पर होती है। यहाँ तक 15 वर्णों के चरण वाले अति शर्करी छंद के अवांतर भेदों का वर्णन बताया गया है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में भगड़ रगड़ नगड़ 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 तथा एक गुरु होता है और जिसमें 7 तथा 9 वर्णों पर यति हो तो उसे वृषभ गज जृंभित छंद कहते हैं। जिसके सभी चरणों में नगड़ जगड़ भगड़ जगड़ रगड़ और एक गुरु हो तो उसका नाम वाणिनी छंद है। यति चरण की समाप्ति पर होती है। पिंगल द्वारा इन दोनों छंदों को अष्ट श्रेणी के छंद के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। यगड़ मगड़ नगड़ सगड़ भगड़ एक लघु और एक गुरु से संयुक्त चरण वाले छंद का नाम शिखरेणी है। इसमें यति 6 तथा 11 वर्णों पर होती है। पृथ्वी छंद के प्रत्येक चरण में जगड़ सगड़ यगड़ एक लघु तथा एक गुरु होता है। इसकी यति 8 और 9 वर्णों पर होती है। जिस छंद के चरण भगड़ रगड़ नगड़ नगड़ भगड़ एक लघु तथा एक गुरु से संयुक्त होते हैं और जिनमें 10 एवं 7 वर्णों पर यति होती है उसे वंशपत्र पतित कहा जाता है। हरड़ी छंद नगड़ सगड़ मगड़ रगड़ सगड़ एक लघु और एक गुरु से संसृष्ट होता है। इसमें यति क्रमशः 6 4 और 7 वर्णों पर होती है। मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ तगड़ 2 गुरु से युक्त चरणों वाले छंद को मंदाक्रांत कहते हैं। इसमें 4 6 और 7 वर्णों पर यति होती है। नर्दटक छंद नगड़ जगड़ भगड़ जगड़ जगड़ एक लघु
और एक गुरु से संयुक्त होता है। इसमें यति 7 और 10 वर्णों पर होती है। यदि यही यति 7, 6 और 4 वर्णों पर हो तो छंद का नाम कोकिलक हो जाता है। शिखरिणी से कोकिलक तक इन छंदों को 17 वर्णों वाले अत्यष्टि छंद वर्ग में समझना चाहिए। जिस छंद में मगड़, तगड़, नगड़, यगड़, यगड़, यगड़ होता है और 5, 6 और 7 वर्णों पर यति होती है, उसको कुसुमित लता छंद कहते हैं। इसे 18 अक्षरों के चरण वाले धृति छंद का अवांतर भेद कहा जाता है। यगड़, मगड़, नगड़, सगड़, रगड़, रगड़ और एक गुरु से युक्त छंद का नाम मेघ विस्फुर्जिता है। इसमें 6, 6 और 7 वर्णों पर यति होती है। शार्दुल विक्रीड़ित नामक जो छंद है उसके प्रत्येक चरण में मगड़, सगड़, जगड़, सगड़, 2 तगड़ तथा 1 गुरु होता है। इसमें 12 और 7 वर्णों पर यति का विधान है। ये दोनों 19 वर्णों के चरण वाले अतिघृत छंद वर्ग के भेद कहे गए हैं। इसके बाद 20 वर्णों के चरण वाले कृति नाम वाले छंदों का निरूपण किया जा रहा है, जिसके प्रत्येक चरण में भगड़, रगड़, मगड़, नगड़, यगड़, भगड़, 1 लघु 1 गुरु होता है और क्रमशः 7, 7 तथा 6 वर्णों पर यति होती है। उसे सुवदना छंद कहते हैं, जिसके प्रत्येक पाद में रगड़, जगड़, रगड़, जगड़, रगड़, जगड़, 1 लघु 1 गुरु हो और पादांत में यति होती है, उसे वृत्त छंद कहते हैं। जिस छंद में मगड़, रगड़, भगड़, नगड़, यगड़, यगड़, यगड़ हो और प्रत्येक चरण में 7-7 वर्णों पर यति होती है, वो स्त्रकधरा छंद है। प्रत्येक चरण में 21 वर्णों वाले इस छंद को प्रकृत वर्ग का छंद माना गया है, जिसके सभी पाद क्रमशः भगड़, रगड़, नगड़, रगड़, नगड़, रगड़, नगड़ तथा 1 गुरु से संयुक्त हों और उनमें 10 तथा 12 वर्णों पर यति हो, उसे सुभद्रक छंद कहते हैं। यह 22 वर्णों वाले आकृति छंद के अंतर्गत है। जो नगड़, जगड़, भगड़, जगड़, भगड़, जगड़, भगड़, 1 लघु तथा 1 गुरु से युक्त छंद हो और उसमें 11 तथा 12 वर्णों पर यति हो, उसका नाम अश्वललित है। इसे अन्य ग्रंथों में अद्रित नया भी कहा गया है। जिस छंद में मगड़, मगड़, तगड़, नगड़, 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 1 लघु तथा 1 गुरु होता है और जिसमें 8, 5 तथा 10 वर्णों पर यति होती है, उसको मत्ताकृड़ कहा जाता है। ये दोनों छंद 23 वर्णों वाले विकृति छंद वर्ग के अंतर्गत है। जिस छंद का प्रत्येक पाद भगड़, तगड़, नगड़, सगड़, भगड़, भगड़, नगड़, यगड़ से संयुक्त होता है और उसमें 5, 7 तथा 12 वर्णों पर यति होती है, उसको तन्वी छंद कहते हैं। यह तन्वी छंद 24 वर्णों के चरण वाले संस्कृत छंद वर्ग का अवांतर भेद है। क्रौंचपदा नाम का जो छंद है, उस छंद में भगड़, मगड़, सगड़, भगड़ एवं नगड़, 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 1 गुरु होता है और 5, 5, 8 तथा 7 वर्णों पर यति होती है। यह 25 वर्णों वाले अतिकृत छंद के अंतर्गत है। अब 26 वर्णों वाले उत्कृति वर्ग के छंद को कहा जा रहा है, आप इसे सुने। जिस छंद के प्रत्येक चरण में मगड़, मगड़, तगड़, नगड़, 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 रगड़ तथा सगड़ हों और 8, 11 एवं 7 वर्णों पर यति होती है, उसे भुजंग विजृंभित कहते हैं। यह 26 वर्ण वाले उत्कृति छंद वर्ग का एक भेद है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 1 मगड़, 6 नगड़, 1 सगड़ और 2 गुरु हों, साथ ही 9, 6, 6 तथा 5 वर्णों पर यति हो, तो उसको अपहाव कहते हैं। यह उत्कृति वर्ग का ही दूसरा भेद है।
जिसके प्रत्येक चरण में दो नगड़ और सात रगड़ हों, तो उसका नाम चंड वृत्ति प्रपात छंद है। उसे दंडक भी कहा जाता है। यदि इस छंद में दो नगड़ को छोड़कर शेष रगड़ वर्णों के साथ क्रमशः एक और दो अन्य रगड़ पदों की वृद्धि हो, तो उसी से व्याल और जीमूत आदि नाम वाले दंडक छंद बनते हैं। छंद